वेलकम बैक गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं एआर के सर्वाइवल इवोल्व। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का आप लोग वीडियो फुल वॉच करिए। सो आज के वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना मेटल मेल्ट हुआ। सब में 108 108 ही है और एक में 200 300 है मेटल। बहुत सारा हमने मेल्ट कर लिया है मेटल। और गाइस आज के एपिसोड में हम पॉलीमर बनाने वाले हैं। सो उसका यूज़ क्या है, उससे आप कोई भी गन क्राफ्ट कर सकते हो पॉलीमर से। अभी हम इसको अनलॉक करते हैं और देखते हैं किस किस चीज़ से ये बनेगा। सो ये अनलॉक हो चुका है, बट ये हमें जाना पड़ेगा अपने बेस पर इसको बनाने के लिए। तो उधर से हम पॉलीमर बनाने के लिए हमें ऑब्सीडियन चाहिए और ये फैब्रिकेटर मशीन में क्राफ्ट होगा। सो हमें बेस पर चलना पड़ेगा। बेस पर चल के हम फैब्रिकेटर मशीन बना लेंगे। और गाइस काफ़ी बुरा हो चुका है, मैं आ रहा था तभी हम पे अटैक हुआ, मैं नीचे उतर गया था उसकी वजह से मैं मारा गया और मेरी सारी लूट जा चुकी है। अब मेरे पास कुछ नहीं, पहले हमें बेस पर चल के सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, उसके बाद हम फैब्रिकेटर मशीन बनाएंगे। तो गाइस हम बेस पर पहुंच चुके हैं और अभी ये बनाने के लिए हमें चाहिए, पॉलीमर बनाने के लिए हमें चाहिए सीमेंटिंग पेस्ट और ऑब्सीडियन। सो इसी से ये क्राफ्ट होगा और ये फैब्रिकेटर मशीन में होगा क्राफ्ट। सो हम ये फैब्रिकेटर मशीन और पॉलीमर पेस्ट बनाकर चलेंगे और फिर उधर ही हम क्राफ्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्सीडियन हम इधर ला नहीं सकते, बहुत ज़्यादा वेट होता है इसका। अभी हम ये सब क्राफ्ट कर लेते हैं। मुझे चाहिए क्रॉसबो, इसे भी क्राफ्ट करते हैं। और फिर इसके लिए भी हमें चाहिए वुड और ये फाइबर। सो सारी चीज़ें हम इसे क्राफ्ट कर लेते हैं। अभी मुझे वुड लाना पड़ेगा, मैं भूल गया गलती से। तो ये रहा, इतने में काम हो जाएगा हमारा, इतना लेकर हम चलते हैं और जल्दी से हम क्रॉसबो क्राफ्ट कर लेते हैं और फिर हमारे पास कुछ वेपन तो आ जाएगा। अभी हम जल्दी से क्रॉसबो को क्राफ्ट करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को मैं पॉलीमर का यूज़ बता दूंगा। तो ये क्राफ्ट हो रहा है अभी। और गाइस ये काफ़ी बुरा हुआ, हमारा सारा लूट जा चुका है जो हमारे पास था। और अभी मैं ये भी क्राफ्ट कर लेता हूँ वुड वगैरह काटने के लिए। तो ये कहाँ पर आया, मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। ऑल राइट ये रहा, इसे भी क्राफ्ट कर लेते हैं। इधर भी हमारे पास थोड़ा सा आयरन था। मेटल हैटचेट भी क्राफ्ट हो चुका है। सो अभी हमें ये बोला वेपन भी क्राफ्ट करना पड़ेगा। इसमें हम थोड़ा सा टैच और फाइबर तो है, मैं ऑफलाइन में इसे क्राफ्ट कर लूँगा। तो अभी मेन काम है हमें फैब्रिकेटर मशीन को क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये हाइट भी चाहिए। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसे भी चेकआउट कर लीजिए। तो हम ये कटाना भी बना चुके हैं अभी और बस हमें अब फैब्रिकेटर मशीन को क्राफ्ट करना है और फिर उसके बाद हम चलते हैं उधर ही फाउंटेन में और फिर हम बहुत सारा पॉलीमर क्राफ्ट करके आप लोगों को दिखा भी देंगे। तो ये भी हम ले लेते हैं। और गाइस हमें फ्यूल चाहिए, सो फ्यूल भी हमें लेना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले फ्यूल बना लेते हैं ऑयल से। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने उस फाउंटेन में, अभी हमें ये फैब्रिकेटर मशीन को लगाना पड़ेगा और मैंने फ्यूल भी थोड़ा सा और क्राफ्ट कर लिया था। तो ये फैब्रिकेटर मशीन को इधर लगाते हैं और इसमें हम फ्यूल डालते हैं और सीमेंटिंग पेस्ट और ऑब्सीडियन डालना है, उसके बाद हमारा ये पॉलीमर बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो देख लेते हैं, ऑब्सीडियन मैंने थोड़ा सा रखा था, उसको पहले हम यूज़ करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें कैरेट रखते हैं और ये रहा ऑब्सीडियन और सीमेंटिंग पेस्ट, तो मैं साथ में ही लेकर आया था। तो इसे डालते हैं और अब हम क्राफ्ट करते हैं, बट पहले हमें ये मशीन को चालू करना पड़ेगा। तो ये अब क्राफ्ट हो जाएगा, ये पॉलीमर बनना स्टार्ट हो गया। आप लोग देख लीजिए, काफ़ी सरल रेसिपी है इसको बनाने का। अभी हम और भी
ऑब्सीडियन को तोड़ लेते हैं। इधर हमें बहुत सारा ऑब्सीडियन मिल जाएगा और ये ऑब्सीडियन बहुत जल्दी स्पॉन भी होता है। सो गाइस, एंकिलो का लेवल अब भी आ चुका है। मैंने लेवल अप कर दिया इसका वेट और ये अब हिल नहीं रहा, तो ये चलने लगा। अभी हम फार्म कर लेते हैं ऑब्सीडियन, हमें बहुत सारा ऑब्सीडियन मिल जाएगा। ओके, 20-25 ये मिल गया ऑब्सीडियन और इधर भी इतना ही मिल गया। ज़्यादा हमें मेटल मिल रहा है, ऑब्सीडियन बहुत सारा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत सारा ऑब्सीडियन है, हम बहुत सारा बना कर ले जाएंगे और कल के एपिसोड में हम गन भी क्राफ्ट करेंगे, तो मैं ऑफलाइन में बहुत सारा क्राफ्ट कर लूँगा। अभी गाइस, हमने इतना क्राफ्ट कर लिया है, अब इसका हम ऑब्सीडियन से पॉलीमर बना लेते हैं। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो गाइस, अभी ना हमें थोड़े से एरो भी क्राफ्ट करने चाहिए, क्योंकि मेरे पास एरो बिल्कुल भी नहीं है और किसी डायनासोर ने अटैक किया उसके बाद तो हम गए फिर। और एक गीगासोरस उस तरफ पहाड़ी के नीचे था, मैंने उसका 10,000 हेल्थ कम किया, बट उसने एक बाइट किया और मेरा 500 HP ख़त्म हो गया था। मेरा नहीं, मेरे पे ट्रेनाडोन का, मैं तो 500 HP का ही हूँ। अगर वो मुझे बाइट करता तो मैं पूरा ख़त्म था। तो गीगासोरस काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, इसी वजह से मैं गन क्राफ्ट कर रहा हूँ। और आप लोग देख लो पॉलीमर कितना क्राफ्ट हो चुका है। तो गाइस, अभी ये 150 होने वाला है क्राफ्ट। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।